अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब सेंटर एंड जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पासा सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पे जॉब का ऐलान किया गया है। ये तकरीबन 1350 सीटें हैं। इनकी मुकम्मल तफसील अप्लाई करने का तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पिछले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 है, जिसमें फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो है, जिसमें असिस्टेंट ENM टेक्नीशियन की 65 सीटें हैं, 30,000 सैलरी है, 33 साल एज लिमिट है। उसके बाद जेनिटर इसकी 40 सीटें हैं, 25,000 रुपये सैलरी है और मिडल तलीम 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट रिट्रीवर इसकी 5 सीटें हैं, 28,000 रुपये सैलरी है, 40 साल एज लिमिट है। मेटल तलीम उसके साथ जो है LTV लाइसेंस और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके बाद बर्ड शूटर इसकी 12 सीटें हैं, सैलरी इसकी 25,000 रुपये है, मैट्रिक तलीम और 40 साल इसकी 25,000 रुपये है, मैट्रिक तलीम और 40 साल एज लिमिट है। तो जो लमकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीटें अनाउंस की है वो सीटें तकरीबन 120 हैं। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 है, इसमें सबसे पहले 59 सीटें हैं एयरपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस की, सैलरी इसकी 35,000 है, ग्रेजुएशन तलीम है और एज लिमिट जो है वो 35 साल है। उसके बाद सीट नंबर 2 है जेनिटर्स, इसकी 125 सीटें हैं, 25,000 रुपये सैलरी है और इसकी जो तलीम है वो मिडल है। उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 15 सीटें, 28,000 सैलरी है, तलीम इसलिए मैट्रिक और इसके साथ LTV लाइसेंस चाहिए होगा, 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद माली की 22 सीटें हैं, इसकी 20,000 सैलरी है, मिडल तलीम, वर्किंग एक्सपीरियंस और 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद ट्रॉली रिट्रीवर इसकी 75 सीटें हैं, सैलरी 25,000 है, मिडल तलीम और 40 साल एज लिमिट है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 भी है, इसमें ये सीटें जो है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में, इसमें ट्रैफिक मार्शलर इसकी 25,000 सैलरी, मिडिल तलीम और 40 साल एज लिमिट, असिस्टेंट ENM टेक्नीशियन इसकी 200 सीटें हैं, 30,000 सैलरी, इंटरमीडिएट और 33 साल एज लिमिट है, जेनिटर्स की 182 सीटें हैं, 25,000 सैलरी है, मिडिल तलीम, 40 साल एज लिमिट है, मालिक की 114 सीटें हैं, 20,000 रुपये सैलरी, मिडिल तलीम और 40 साल एज लिमिट है। तो इन सीटों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी जो है वो 13 दिसंबर 2019 है। उसके बाद अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 है, इसमें जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची में जो है वो अनाउंस की गई, जिसमें जेंटर, ट्रॉली रिट्रीवर, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, सेंट्री वर्कर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन की भी सीटें हैं। उसके बाद एंड पे जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन की 6 सीटें हैं। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 है, ये सीटें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अनाउंस की गई है। असिस्टेंट ENM टेक्नीशियन की 110 सीटें हैं, 30,000 सैलरी है। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर की 5 सीटें हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 20 सीटें हैं, पेंटर की 4 सीटें, प्लम्बर की 4 सीटें हैं, वेल्डर की 1 सीट, मिस्त्री की 2, कुक की 5, जनरल सर्विस स्टैंडर्ड्स की 14, माली की 22, कारपेंटर की 4, जेंटर की 94 और सेवरमैन की 3 सीटें हैं। उसके बाद बर्ड शूटर की 6 सीटें हैं। तो इन सीटों पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी 13 दिसंबर 2019 है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 है, ये सीटें फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अनाउंस की, 70 सीटें असिस्टेंट ENM टेक्नीशियन की है, 30,000 सैलरी, सिविल असिस्टेंट की 17 सीटें हैं, इसकी जो है 30,000 सैलरी है। उसके बाद जेंडर की 50 सीटें, मिडल तलीम 40 साल एलिमट, ट्रॉली रिट्रीवर की 30 सीटें हैं, मिडल तलीम और 40 साल एलिमट है। तो इन सीटों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 13 दिसंबर 2019 है। तो ये मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट पे सीटें अनाउंस की। अप्लाई करने के लिए आपने बायोडाटा फॉर्म है जो वेबसाइट पे, ये जो है बायोडाटा फॉर्म, इसको आपने फिल करना है अच्छी तरह से। फिल करने के बाद इसके साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटैचड कापी दिखानी है, शनाख्ती कार्ड की कापी, डोमिसाइल की कापी और 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा के आपने 13 दिसंबर 2019 तक इस इवेंट पे एड्रेस दिया हुआ है। हर एयरपोर्ट का जो है वो अलहदा से एड्रेस होगा, आपने जिस एयरपोर्ट पे अप्लाई करना है उस एड में जो एंड पे एड्रेस होगा उस पर सेंड कर देनी है। तो दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।